हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्चेस वर्ल्ड। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्चेस वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत ही मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आज की रेसिपी जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आज मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम बनाने वाले हैं परांठे और आलू गोभी मटर की भुजिया। सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, तो इसे आप बच्चों के लंच में, अपने लंच के लिए, अपने ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट रेसिपी। तो देख सकते हैं इसका लुक और टेक्स्चर, और बहुत ही कम मसालों के साथ ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने कट कर लेना है आलू गोभी और मटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, नॉर्मल साइज़ में कट किया है। गोभी ली है, उसको भी नॉर्मल साइज़ में कट किया है। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मटर का यूज़ किया है। और इसके बाद हम इसको तड़का लगाएंगे। बहुत ही सिंपल सा तड़का है। एक प्याज है, 7 से 8 कलियाँ लहसुन की है, और 4 हरी मिर्च है। देख सकते हैं नॉर्मली हमने इसको तड़के को कट किया है नॉर्मल साइज़ में। तो कढ़ाई को मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, 2 चम्मच सरसों के तेल का यूज़ किया है मैंने। तो जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो हम प्याज लहसुन और हरी मिर्च को डाल देंगे। इसको हमें भूनना है, हमें ब्राउन कलर का करना है इसको भून के। गैस की फ्लेम जो है वो हाई रहेगी, सब्जी को बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं करेंगे, भाप के अंदर ये सब्जी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि तड़का जो है वो हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो बस अब सबसे पहले हम इसके अंदर मटर डाल देंगे, और मटर को 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, और इसके साथ ही अब इसके अंदर हम मसाले डाल देंगे। तो 2 से 3 मिनट पहले इसको भून लेंगे, उसके बाद मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में जो है नमक है स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। तो मसाले को अच्छे से मिक्स कर देना है, मसाले को चलाना है। 1 से 2 मिनट हम मसाले को और चलाएंगे, और उसके बाद हमने जो आलू और गोभी काट के रखी है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्ज़ी, और बिना पानी के बनेगी, भाप के अंदर बनेगी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को बना के देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इसका स्वाद, खाने में भी और खिलाने में भी। तो यहाँ पर मैंने सारे मसालों को मिक्स कर दिया इसके अंदर। 1 से 2 मिनट में इसको और चला लूँगी, और इसके बाद में सब्जी को इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। गैस की फ्लेम जो है 5 मिनट जब हम सब्जी को मिक्स करेंगे, तो 5 मिनट हमें गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल हाई ही रखनी है, और उसके बाद फिर हम एकदम से इसको लो कर देंगे। हाई रखने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी सब्जी का मॉइस्चर है वो बिल्कुल सूख जाएगा, और उसके बाद इसके अंदर जो भाप बनेगी, गैस की फ्लेम हम धीमी कर देंगे, तो जो उसका टेस्ट आता है सब्ज़ी के अंदर, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट आता है, बहुत ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी। एक बार इस तरीके से आप इस रेसिपी को ट्राई करके देखें। आलू गोभी मटर तो सभी बनाते हैं, सर्दियों में तो हर दूसरे दिन की सब्ज़ी यही होती है। तो बस बनाने का थोड़ा सा तरीका बस अलग हो जाता है, लेकिन सब्जी का स्वाद बदल जाता है। तो वैसे भी हम नॉर्मली कहते हैं कि हर हाथ का स्वाद अलग होता है, हर खाने का स्वाद अलग होता है। घर घर में वही चीज़ सेम चीज़ सेम मसालों के साथ बनेगी, लेकिन स्वाद जो है वो अलग होता है। तो एक बार इस तरीके से धीमी आंच में इस भुजिया को बना के देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो 5 मिनट हमने इसको ढक के पकाया है, और 5 मिनट के बाद कुछ इस तरीके का इसका लुक है। तो इसको चला लेंगे अच्छे से, और फिर से इसको 5 मिनट धीमी आँच पर हम पकाएँगे। तो सब्जी जो है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी, स्वादिष्ट सी बन के तैयार होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बिल्कुल हल्के मसालों के साथ। आप छोटे बच्चे को भी ये रेसिपी बना के दे सकते हैं, उनके लंच बॉक्स के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए, अपने नाश्ते के लिए, या फिर अपने ऑफिस के टिफ़िन के लिए बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो बनने के बाद ना गैस हमने बिल्कुल सिम पे रखी थी, यानी कि बिल्कुल लो पे रखी थी, और उसी में हमारी ये सब्जी बन के तैयार हुई है। तो आप इसका लुक और टेक्स्चर देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है सब्जी, और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और बिल्कुल हल्के मसालों के साथ है। तो अब हम इसको परांठे के साथ सर्व करने वाले हैं। तो ये है हमारे गर्मा गर्म सिंपल से परांठे, और ये हमारी आलू मटर और गोभी की भुजिया। देख सकते हैं आप इसका लुक और टेक्सचर, बिल्कुल मुँह में पानी आ रहा है, बिल्कुल जी स्वादिष्ट इतनी ज़्यादा बनती है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो आज का ब्रेकफास्ट है हमारा रेडी बिल्कुल, तो आ जाए आज का नाश्ता आप हमारे साथ करें, और करने के बाद अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। वीडियो को देखते रहें बिना स्किप किए, और नई नई रेसिपीज आप लोगों को मिलती रहेगी। तो सबसे पहले तो टेस्ट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।